तो आज बनाएंगे जी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी। और आप इसे टी पार्टी के लिए भी सर्व कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही आइडियल रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी से स्नैक्स बनाने वाले हैं और आप इन स्नैक्स को बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। तो बगैर टाइम को वेस्ट के बगैर इस जबरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो इस क्रिस्पी से स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। गरम करने के बाद प्याज ऐड करेंगे जो कि एक मीडियम साइज का है और इसे चॉप सा कट किया हुआ है। हल्का सा हम इसे सौते करेंगे और इसके बाद शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिक्स करेंगे और अब हम जिंजर गार्लिक को भूनेंगे जब तक कि एक मज़ेदार सी टेस्टी सी खुशबू नहीं आ जाती। जिंजर गार्लिक की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जो कि 1 कप है और इसे हमने बॉयल करने के बाद रेशेस कर लिए हैं। तो इसे शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून इसमें गाजर जो कि हमने इसे जूनियन कट किया हुआ है। एक मीडियम साइज का टमाटर लेंगे जिसके सीड्स हमने निकाल लिए हैं और इन दोनों को ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम हल्का सा वेजीज को फ्राई करेंगे और अब इस स्टेज पर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून इसमें व्हाइट पेपर और 1/2 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें आलू शामिल करेंगे जो कि एक बड़े साइज का है और इसे नमक ऐड करके बॉयल कर लिया था। हल्का रिमूव करने के बाद इसे हमने हल्का हल्का सा मैच किया है, बहुत ज़्यादा मैच नहीं करेंगे। तो मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक हम हल्की फ्लेम पर भुनेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून चिकन पाउडर जो कि एक मज़ेदार फ्लेवर के लिए और 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे सोया सॉस और 1 टेबलस्पून हमने शामिल किया है चिली सॉस। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च जो कि 3 टेबलस्पून है और मुट्ठी भर हर धनिया की पत्तियां ऐड करके मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और हमारी ये मज़ेदार सी स्टफिंग हो चुकी है जी तैयार। तो इसे हम प्लेट में ऐड करके ठंडा कर लेंगे। तो इसके साथ हमने ले लिए हैं ब्रेड पीसेस जो कि हमारे पास 10 पीसेस हैं कुछ इस तरह से। तो अगर आपके पास कटर है तो फिर भी ठीक, नहीं है तो आप इस तरह से स्टील की कटोरी ले सकते हैं छोटी वाली और इसके साथ गिलास ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कटर नहीं थे तो हम गिलास की मदद से कुछ इस तरह से जो है वो गोल सी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ जो है वो आपकी ब्रेड बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने वाली और आपकी रेसिपी भी बन जाएगी और आपकी ब्रेड भी ज़ाया नहीं होगी। तो सभी ब्रेड को हमने कट कर लिया है और इसकी आप बना सकते हैं जी ब्रेड ग्राम जो कि हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। और सेकेंड जो है इस ब्रेड के साथ आप कुछ भी मीठा बना सकते हैं जिसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में ज़रूर डाल दूंगी। तो ब्रेड का हम यहाँ पर हमने बना ली है, बस मिक्सी के जार में ऐड करके आपने इसे ग्राइंड कर लेना है कुछ इस तरह से। इसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे एक डब्बे में और 1/2 इसमें से यूज़ करेंगे और 1/2 को हम रख देंगे किसी और रेसिपी के लिए। तो आप इसी तरह से इसे पंखे के नीचे रख दीजिए, ऊपर से कवर ना कीजिए ताकि इसमें जो नीमी वगैरह है और ये अच्छे से ड्राई हो जाए और एक तरह से क्रिस्पी सी हो जाए। तो बस इसे करते हैं हम साइड पे और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बाउल में तोड़ लेंगे जी हम 2 अंडे और कोशिश कीजिए कि अंडे फ्रिज वाले ना हो। तो अब हम अंडों में शामिल करेंगे 1 चुटकी के करीब नमक और अंडों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे कुछ इस तरह से। तो इसे करते हैं साइड पे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम एक ले लेंगे ब्रेड का पीस जो हमने कट किया था, इसे साइडों से हम डिप कर लेंगे कुछ इस तरह से अंडे में और इसे प्लेट में रखेंगे और सेंटर में ऐड करेंगे हम अच्छी क्वांटिटी में जी स्टफिंग तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसके बाद जो ऊपर वाला पीस होगा इसे भी हमने अच्छी तरह से साइडों से अंडा लगा लेना है और कुछ इस तरह से ऊपर रखेंगे और साइडों से प्रेस करेंगे, सीलिंग करेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से आपने प्रेस करते हुए सीलिंग करना है। तो यहाँ पर ये सील हो चुका है और इसे हम डिप कर लेंगे जी अंडे के बैटर में कुछ इस तरह से। और अब हम ऊपर से कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्ब के साथ कुछ इस तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करेंगे ताकि कोई भी एरिया खाली ना रहे कुछ इस तरह से। जो आपका साफ हाथ होगा आपने इसके साथ इस तरह से कोटिंग कर लेनी है। तो इसे रखेंगे जी हम प्लेट में और इसी तरह से हम दूसरे भी मज़ेदार से स्नैक्स को कर लेंगे जी कोट। तो माशाल्लाह से सभी हमारी मज़ेदार सी पेटीज़ हो चुकी हैं जी कोटिंग के साथ ज़बरदस्ती तैयार। तो यहाँ पर टाइम को वेस्ट के बगैर इन्हें कर लेते हैं जी हम फ्राई। तो यहाँ पर हमने ऑयल को प्रीहीट कर लिया है और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए मज़ेदार से क्रिस्पी से स्नैक्स कुछ इस तरह से। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो ये फूले फूले से खुद ही ऊपर आ जाएंगे ऑयल के। तो आपने इनको जो है
वो पलट लेना है। तो गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। एकदम क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से ये स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। आप इन्हें पार्टी में बना सकते हैं, टी टाइम में इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें बना सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। बहुत ही आइडियल रेसिपी है, ट्राई करिए और आपको बहुत मज़ा आ जाने वाला है इस रेसिपी को खाने के बाद। तो फाइनली ने निकाल लिया है और इस तरह से प्लेट में निकालेंगे। एकदम क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट के साथ ये हमारी पेटीज़ बनकर तैयार होती हैं। तो लीजिए, माशाल्लाह से हमने पेटीज़ को बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। इस स्टेज पर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब मैं माशाल्लाह से आपको दिखा देती हूँ ये कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़ेदार सी हमारी पेटीज़ बनकर तैयार हुई हैं। और माशाल्लाह से देख सकते हैं, देखने में भी एकदम टेस्टी सी इसकी लुक है। खाने में तो मैं आपको बता ही नहीं सकती माशाल्लाह से ये कितनी मज़ेदार सी बनती हैं और एकदम क्रिस्पी और करंची होती हैं बाहर से और अंदर से एक मज़ेदार सी चटपटी की स्टफिंग के साथ। देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी बनी है और बहुत ही मज़ेदार सी। ट्राई करिए और फीडबैक में ज़रूर बताइए आपको मेरी इजी सी पेटीज़ या स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी। तो मैं आपको कट करके भी दिखा सकती हूँ। माशाल्लाह से एकदम मज़ेदार सी इसके अंदर जो है वो स्टफिंग है जो कि बहुत ही चटपटी सी है खाने में। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।